दो दिन के बाद मंदसौर मंडी खुली है और लहसुनों की लहसुन की जो है काफ़ी आवक हो रही है। हमारे साथ व्यापारी है और खास बात यह है कि आज जो है क्या भाव रहा होगा मंदसौर मंडी के अंदर, क्या आवक है, कितनी आवक हुई है, क्या बाजार है और आगे क्या स्थिति बन रहेगी। मार्केट टाइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्या स्थिति मंदसौर में? आज की स्थिति में आवके तो थोड़ी कम है, बट बाजार भी तेज है। बाजार मतलब दो दो तीन तीन रुपये तेज देखने को मिल रहे हैं। ऊँचे में माल बिका है, 21,000-22,000 रुपये तक देसी माल बिक रहा है। नीचे में 4,000 रुपये तक बिक रहा है, 3,000-4,000 रुपये की स्थिति है बनी हुई है। और आगे भी बाजार आवकों को देख कितना 2-3 हज़ार रुपये उछाले सब मुझे। हाँ तो आगे जो है दो दिन और मंडियाँ बंद रहेगी, कल शनिवार भी है, रविवार भी है, तो क्या लगता है आगे बाजार किस तरह रहेगा? बाजार तो अभी की स्थिति में देखने को मिल रहा है तो समान ही बाजार खुल रहे हैं, मतलब ज़्यादा भी ऊपर और नीचे ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। बाकी अभी शादियों को लेकर थोड़ी आवके कम है, उससे थोड़ा बाजार तेज हो सकते हैं। तो जो अपन इनका कहना है कि जो अभी शादियां हैं उसकी वजह से आवक थोड़ी कम हो गई है और उसकी वजह से मान सकते हैं कि थोड़ा सा जो लहसुन है उसमें उछाल देखने को मिल रहा है। आगे कुछ और जो है कुछ दिनों उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि भविष्यवाणी भी ये कह रहे हैं कि जो लहसुन है उसका रेट आसमान छुएगा, तो हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जो है मंदसौर मंडी के अंदर 2-3 हज़ार रुपये का लहसुन में उछाल देखने को मिला है। मार्केट टाइम टीवी के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा।